हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आपने इससे पहले वाली प्रोसेसर वाली वीडियो देखी होगी। इसके बाद मैं पर्टिकुलर इंटेल के जो i3 i7 कोर प्रोसेसर है उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि ये एक्चुअली होते क्या हैं। जब भी हम मोबाइल कंप्यूटर को परचेज करने या लैपटॉप को लेने के लिए जाते हैं तो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें किसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर लेना चाहिए। कि i3 i5 i7 हमने हमेशा सुना है कि ये क्या क्या होते हैं, ये वाले पीसी ले लो, ये वाला लैपटॉप ले लो, बट एक्चुअली हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली होते क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसे लेते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो जो मेन चीजें हमें देखनी होती है तो उसमें कौन सा कोर वो यूज कर रहे हैं, क्लॉक स्पीड कौन सी दे रहे हैं, कितने क्लॉक स्पीड है गीगाहर्ट्ज में जो हम काउंट करते मेजर करते हैं वो कौन सी कितनी दे रहे हैं, टर्बो बूस्ट क्या होता है, हाइपर थ्रेडिंग एक्चुअली वो बोलते हैं तो हाइपर थ्रेडिंग प्रोवाइड करवाता है, टर्बो बूस्ट प्रोवाइड करवाता है, कैश मेमोरी कितनी है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए जब भी हम कुछ परचेज करने के लिए जाते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप। तो अलग अलग टाइप की जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या है। एंड डिफरेंट प्रोसेसर फैमिलीज हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ एफिशिएंसीज, यानी कि जो जो भी इनके प्रोसेसर है इनकी जो एफिशिएंसीज है वो अलग अलग रहती है, इनकी जो जो इनकी स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। इंटेल जो भी कोर प्रोसेसर्स प्रोवाइड करवाता है उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं, i3, i5, i7 एंड i9 जो लेटेस्ट में चल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन दीज रेंजेस आर नॉट सेम ऑन अ लैपटॉप और लैपटॉप चिप और अ डेस्कटॉप। अगर हम लोग देखें तो इनकी जो रेंज है वो लैपटॉप की और कंप्यूटर की सेम नहीं होती। हाँ, अगर हम बात करते हैं जैसे कि वो सेम जो डिस्कस करते हैं कैश मेमोरी, नंबर ऑफ कोर्स, टर्बो बूस्ट, हाइपर थ्रेडिंग, ये सब कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बट अगर हम नॉर्मली रेंज के अकॉर्डिंग बात करें तो ये दोनों अलग अलग होते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप की। तो अब जैसे कि आपको पता है बेसिक प्रोसेसर क्या होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, वही सेम कंटेंट मैंने यहाँ मेंशन किया है कि प्रोसेसर होता क्या है। एक ऐसी चिप होती है, लॉजिकल सर्किट की चिप होती है जो कि डेटा को फंक्शंस को परफॉर्म करने के काम में आती है, उसके थ्रू सारा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है और प्रोसेसर को ही हम लोग ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर बोलते हैं, जो कि आज के टाइम में कंप्यूटर ब्रेन ऑफ अ सिस्टम बोलते हैं, जो कि आज के टाइम में कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन सब जगह यूज हो रहे हैं। ये मोस्टली टू पार्ट्स कंटेन करके रखते हैं जो कि ALU और CU होता है, जो कि ALU अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करता है, CU जस्ट लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोलर होता है जो कि सारा सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसमें बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोसेसर के कैसे एग्जीक्यूट होते हैं तो वो क्या रहता है, पहले डेटा को फैच किया जाता है, उसके बाद डिकोडिंग में पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिर एग्जीक्यूट करके उनको राइट बैक एज अ आउटपुट दिया जाता है। ये सब मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, आप लोग वो वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि i3, i5, i7, i9 में क्या क्या कोर्स अवेलेबल है और क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें बेस्ट सूट करता है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ मैनी नंबर्स ऑफ कोर्स आर प्रेजेंट इन अ इन दीज इंटेल प्रोसेसर्स। तो अगर हम बात करें तो i3 में ओनली टू प्रोसेसर टू कोर्स अवेलेबल होते हैं और i5 में टू भी है और फोर भी है जिनकी जनरेशन के अकॉर्डिंग है, यानी कि जैसे कि i5 सिस्टम अभी चल रहा है अगर हम बात करें तो नॉर्मली तो उनकी जनरेशन आती रहती है, यानी कि i5 में भी अपडेट्स हो रहे हैं जैसे कि जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, ऐसे ही अपडेट्स आते रहते हैं। तो स्टार्टिंग की जनरेशन में ये ओनली टू कोर्स पे था, अभी ये 4 कोर यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे ही i7 में भी अलग अलग जनरेशन के अकॉर्डिंग ये अलग अलग जनरेशन में सपोर्ट करता है, तो कुछ जनरेशन में ये 2 कोर पे भी काम करता है, कुछ पे 4 पे, कुछ पे 6 पे एंड कुछ पे 8 पे। जो अल्ट्रा जो हम बोल सकते हैं कि अल्ट्रा एडवांस होती है जो i7 की, तो वो 8 कोर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाती है। ऐसे ही i9 है जो वो 8 कोर प्रोवाइड करवाता है। तो यानी कि कोर्स का यहाँ पे मतलब क्या है, जितने ज्यादा कोर होंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रोसेसर की स्पीड इंक्रीज होएगी और एफिशिएंसी हमें ज्यादा मिलेगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। जैसे कि हम बात करें अगर सिस्टम में एक ही कोर है तो वो डेफिनेटली एक ही काम को करता रहेगा और उसे वन बाय वन करेगा काम कम कम कंप्लीट। अगर मेरे पास 2 कोर है तो वो 2 काम को एक टाइम पे कर सकते हैं, अगर 4 कोर है तो 4 काम को एक टाइम पे कर सकते हैं। यानी कि हमारी फास्टेस्ट टेक्निक कितनी एडवांस होती जा रही है कि हमारे काम मतलब जो एक काम हो रहा था वो अभी i9 से अगर हम कंपेयर करें तो वो 8 काम एक टाइम पे ही हो रहे हैं। तो कोर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है कि जितने ज्यादा कोर होंगे उतनी ज्यादा हमें फंक्शनैलिटी अच्छी मिलेगी, एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा काम भी उतना ही फास्ट होगा।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टर्बो बूस्ट की बात करेंगे एक्चुअली, बट टर्बो बूस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं क्लॉक स्पीड का डिस्कशन करती हूँ कि क्लॉक स्पीड एक्चुअली होता क्या है। तो क्लॉक स्पीड एक्चुअली क्या है कि i3 जो गीगा हर्ट्स में मेजर करते हैं हम क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड क्या है कि नंबर ऑफ जो बीट्स, जो कि नंबर ऑफ साइकिल एग्जीक्यूशन पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि कितने टाइम पे अब जो एक साइकिल है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पे क्लॉक स्पीड i3 की क्या है, 3.4 से लेके 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक की है। i5 की कितनी है, 2.4 से लेके 3.8 गीगाहर्ट्ज़ तक की है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि i3 की क्लॉक स्पीड काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू i5 की, और i7 की भी 2.9 से लेके 4.2 तक की है, एंड i9 की 5.3 गीगाहर्ट्ज़ तक की स्पीड है इसमें क्लॉक स्पीड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि टर्बो बूस्ट, टर्बो बूस्ट एक्चुअली होता क्या है। टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी इज अ वे टू ऑटोमेटिकली रन द प्रोसेसर कोर फास्टर देन द मार्क्ड फ्रीक्वेंसी। सपोज कि मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि जो क्लॉक स्पीड है जैसे कि i5 की हम लेते 2.4 से लेके 3.8 तक की है, अगर ये टर्बो बूस्ट को सपोर्ट करता है तो जो इसकी लिमिटेड जो इसकी जो हमने फ्रीक्वेंसी फिक्स की है उससे भी मोर स्पीड में वो काम कर सकता है। टर्बो बूस्ट हैज नथिंग टू डू विद फैंस और अ फोर्स इंडक्शन, बट एज अ इंटेल मार्केटिंग नेम्स फॉर द टेक्नोलॉजी दैट अलाउज अ प्रोसेसर टू इंक्रीज इट्स कोर क्लॉक स्पीड डायनामिकली। मीन्स कि जब भी हमें कोर स्पीड की जो सॉरी क्लॉक स्पीड की अगर जरूरत पड़ती है, कोई भी नीड अराइज होती है ऐसे, तो उस केस में हम उनकी क्लॉक स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट टर्बो बूस्ट बताता है कि कौन सा प्रोसेसर, कौन सा i3 i5 i7 i9 कौन सा टर्बो बूस्ट को सपोर्ट करता है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया i3 सपोर्ट नहीं करता, i5 i7 एंड i9 टर्बो बूस्ट को सपोर्ट करते हैं। ये होता क्या है, वही सेम मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ कि ये जब हमें क्लॉक स्पीड की जो एक्सट्रीम उनकी कंडीशन होती है उससे ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम उन्हें इंक्रीज कर सकते हैं जब भी हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो यही होता है टर्बो बूस्ट, यानी कि इसे वो सपोर्ट करते हैं। कौन कौन सपोर्ट करता है, i5 i7 एंड i9 ही सपोर्ट करते हैं। इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको बताती हूँ, अगर किसी प्रोसेसर के मॉडल के एंड में कैपिटल K लिखा हुआ है, अगर किसी प्रोसेसर के मॉडल के एंडिंग में कैपिटल K लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि वो अनलॉक्ड है और ओवरक्लॉक्ड है, यानी कि वो प्रोसेसर अनलॉक है। इसका मतलब क्या रहता है, यू कैन फोर्स द CPU टू रन एट अ हायर स्पीड देन इट्स अ बेस स्पीड, जो इसकी बेस स्पीड फिक्स हो रखी है ना उससे भी ज्यादा आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, उससे भी ज्यादा आप उसको रन कर सकते हैं। ये होता है यहाँ पे टर्बो बूस्ट का काम भी यहाँ पे सेम यही रहता है, जो बेस स्पीड मेंशन की हुई है उससे भी हायर स्पीड में यहाँ पे काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टर्बो बूस्ट फंक्शनैलिटी, टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी। तो जो भी मॉडल विद द नेम लास्ट में जो विद द कैपिटल नेम के मिलता है वो अनलॉक्ड होते हैं और ओवरक्लॉक्ड होते हैं, उन्हें हम एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी का मैंने प्रोसेसर में पहले डिस्कस किया था, कैश मेमोरी होता क्या है। कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर ही होती है जो कि डायरेक्टली जो कि मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में जो भी जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उनका जो मिसमैच होता है उन्हें कंट्रोल करने का काम कैश मेमोरी करती है। यानी कि जो डाटा हमारा मेन मेमोरी के अंदर होता है उसे कैश मेमोरी में डाल देते हैं और कैश मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू से इंटरेक्ट करके जो भी हमारा डाटा है उसको प्रॉपर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि सीपीयू डिग्रेड कंडीशन में नहीं जाता, जो सीपीयू की कैपेबिलिटी है वो लॉस्ट नहीं होती। तो कैश मेमोरी का काम यहाँ पे ये रहता है। तो इंटेल i3 जो कैश मेमोरी प्रोवाइड करवाता है अप टू 3 to रेंज है इसकी 3 to 4 MB के बीच में, i5 की रेंज है 4 to 6 MB के रेंज में, एंड i7 की है अप टू 8 MB तक, एंड i9 की है 16.5 MB तक। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगर जितनी ज्यादा कैश मेमोरी होगी उतनी ज्यादा हमारा डाटा मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में स्टोर हो पाएगा और उतनी जल्दी वो प्रोसेस हो पाएगा, टाइम कम लगेगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि i9 में 16.5 MB है, यानी कि ह्यूज अमाउंट है जिसके थ्रू डाटा हमारा काफी जल्दी प्रोसेस होएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब अगर जैसे कि मैं पहले आपसे बात करूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हम बोल सकते हैं, मल्टी थ्रेडिंग को कंफ्यूजिंग नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि
इंटेल i3 तो मल्टी थ्रेडिंग को प्रोवाइड करवा रहा है, बट i5 प्रोवाइड नहीं करवा रहा और i7 भी प्रोवाइड नहीं करवा रहा। और जैसा कि हमें पता है कि जो भी वर्जन टेक्निक एडवांस आते रहते हैं, तो डेफिनेटली जो प्रीवियस वाले की जो होती है वो तो डेफिनेटली ऑप्ट करते ही करते हैं, और जो प्रीवियस में ड्रॉबैक होते हैं उनको भी ओवरकम करते हैं। बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो i5 में मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि i3 में अवेलेबल था। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्चुअली मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या है, दे आर द वर्चुअल कोर्स एंड वर्क्स लाइक अ रियल कोर इनसाइड द सीपीयू। ये क्या होते हैं, वर्चुअल कोर होते हैं, यानी कि इमेजिनरी कोर होते हैं। और जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे i3 की, तो i3 में 2 कोर होते हैं, तो ऐसे ही i3 में 2 कोर जो सीपीयू वाले रियल कोर होते हैं वो होते हैं, और 2 मल्टी थ्रेडिंग कोर भी होते हैं जो वर्चुअल कोर होते हैं। तो ऐसे ही इसमें i5 में है नहीं, तो ये सपोर्ट नहीं करता। i7 में मोस्टली मैंने बात की आपसे, i7 में भी सपोर्ट करता है, i9 में भी सपोर्ट करता है। अगर i7 में 6 कोर का i7 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 12 कोर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि 6 कोर सीपीयू के रियल वाले होंगे और 6 कोर मल्टी थ्रेडिंग वाले जो कि वर्चुअल कोर होते हैं वो होंगे। ऐसे ही अगर हम i9 की बात करें, तो यहाँ पे 8 कोर होते हैं और ये डबल करके 16 कोर में ऐसा काम करता है। अभी एक्चुअली यूज क्या है इसका, ये हम डिस्कस करते हैं। ड्यू टू हाइपर थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज एबल टू शेयर प्रोसेसिंग टास्क बिटवीन दीज वर्चुअल कोर्स इन ऑर्डर टू हेल्प सर्टेन एप्लीकेशंस रन मोर क्विकली। जैसे कि हम ये बात समझ सकते हैं कि जितने ज़्यादा कोर होंगे उतनी ज़्यादा काम हमारा और फास्ट होएगा, तो इसके लिए ये एक इमेजिनरी कोर प्रोवाइड करवाते हैं। जितने कोर रियल होते हैं उसके ही इक्वल इमेजिनरी कोर होते हैं। जो काम हमारा 8 कोर में हो रहा था वो अब 16 कोर में होएगा, तो आप सोच सकते हैं कितना फास्टेस्ट ये हमारी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि परफॉर्मेंस को भी मेंटेन करके रखेंगे, और जो कि हमारी जो रनिंग स्पीड है, फास्टेस्ट की टेक्निक है, वो कितना पावरफुल हो जाएगी। तो यहाँ पे यही सब कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो परचेजिंग के अकॉर्डिंग कि हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं, अगर हम देखें परफॉर्मेंस वाइज भी टोटली, जैसे कोर कितने अच्छे हैं, मल्टी थ्रेडिंग कौन प्रोवाइड करवा रहा है, कैश मेमोरी किसमें ज़्यादा अच्छी है, तो डेफिनेटली हम i9 को ही ऑप्ट करेंगे। कॉस्ट वाइज अगर देखें तो कॉस्टली रहेगा ये, बट अगर हम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें, टर्बो बूस्ट कौन प्रोवाइड करवा रहा है, कैश मेमोरी कितनी अच्छी दे रहे हैं ये, तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली हम i9 को ही ऑप्ट करेंगे। ये था आज का हमारा डिस्कशन इंटेल के जो भी है इसके कोर्स है उसके ऊपर, i3, i5, i7 एंड i9। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और मैं आपकी क्वेरी को दूर करूंगी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एंड थैंक यू फॉर दिस।